देखिए मैंने पैन गैस पे रख दिया है और उसमें इतनी जितना धनिया हरी ये खड़ा धनिया डालोगे उसका आधा जीरा डालने का, मैंने इतनी कटोरी में ले लिया है धनिया। अब इसका आधा, अगर 2 चम्मच आप खड़ी धनिया लेते हैं तो 1 चम्मच जीरा लेंगे और इसको एकदम गैस हाफ रखेंगे और इसको एकदम धीरे धीरे हाफ गैस पे इसे हमें भूनना है अच्छी तरह, एकदम स्लो गैस पे एकदम धीरे धीरे हम इसे चला के भूनते रहेंगे। आधा भून जाएगा ये तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। देखिए अभी हमारा ये भुना हुआ नहीं है, बस चलाते रहना है, एक तरीका हाथ नहीं रोकना है, हाथ रोकेंगे तो हमारा धनिया जलने लगेगा। देखिए आधी धनिया हमारी भून के हो चुकी है, अभी हम पोजीशन पे जीरा डालेंगे, इतना जीरा भी डाल के। देखिए जीरा भी हमारा लगभग थोड़ा सा भून गया है तो इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, उसे भी भूनेंगे। और ये 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्ची, अगर कश्मीरी आपके पास नहीं है तो आप तीखी वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से। ये मसाले को हमें तीखा नहीं करना है, ये मसाले को हमें चटपटा करना है, इससे चटपटी का टेस्ट दुगना तिगना बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। और इसे आप भून के, रमज़ान महीना हमारा 1 महीना रहता है, 1 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप 15 दिन के लिए बना सकते हैं, लेकिन ये आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, चीज़ नहीं होगा कोई। देखिए हमारा चला चला के भून के हो चुका है, लगभग हो ही चुका है देखिए, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जब आप ये बनाएंगे तभी आपके घर में इसकी खुशबू भूनने लगेगी, कड़ी धनिया की बहुत अच्छी लगती है। जब तक हम इसे पीस लेते हैं,